हेलो एवरीवन वेलकम टू जेस्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ चैप्टर पैटर्न्स इन पार्ट्स स्टूडेंट्स अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करो इस पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल नंबर्स तो किसी फ्रैक्शनल नंबर को हम कैसे अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखो नेक्स्ट इज पैटर्न इन पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक डिफरेंट पैटर्न बाई कलरिंग सम स्कर्स इन द ग्रिड्स बी सी डी वट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमेन वाइट राइट इट स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक एक्टिविटी करना है जैसे यहां पर इस तरीके का एक ग्रिड दिया हुआ है विच इज ग्रिड ए उसी तरीके से यहां पर बी सी और डी तो इन ग्रेड्स को आपको कलर करना है तो आप कोई भी कलर से कलर कर सकते हो आपको फिर उसके बाद लिखना है वट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर एंड वट पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमेन वाइट सबसे पहले हम ग्रिड ए को देखते हैं स्टूडेंट्स तो ग्रिड ए में आप देख सकते हो कुछ पार्ट्स जो है इट इज कलर्ड विद ब्लू कलर एंड समाइट तो सबसे पहले व्हाट पार्ट इज ब्लू एंड व्हाट पार्ट इज व्हाइट तो चलिए स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं वो काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 16. अब, 16 parts, वो करते हैं। तो वन टू थ्री फोर फाइव आउट ऑफ सिक्स तो फिर से कैलकुलेट कर लो सबसे पहले तो टोटल तो नंबर ऑफ पार्ट हमें पता है फिर से क्या है सिक्सटीन अब टोटल नंबर ऑफ पार्ट विच आर व्हाइट वो काउंट कर लो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट

तो चलिए ट्राई करते हैं तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स एट बाई सिक्सटीन को थोड़ा और रेड्यूज करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे तो एट को भी रेड्यूस करेंगे और सिक्सटीन को भी रेड्यूज करेंगे कैसे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ना दोनों नंबर तो आपको पता है एट बाई सिक्सटीन में एट क्या है न्यूमरेटर और सिक्सटीन क्या है डिनोमिनेटर ठीक है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम सेम एग्जैक्टली सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप वन से स्टार्ट कर सकते हो उसके बाद टू उसके बाद थ्री एंड सो ऑन बट वन का हमको पता है कि कोई भी नंबर को जब हम वन से डिवाइड करते हैं तो तो 16 को जब आप हर नंबर को वन से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा एट डिवाइडेड बाई वन और डिवाइडेड बाई से डिवाइड कर दो सिक्सटीन डिवाइडेड बाई वन ये क्या बन जाएगा एट डिवाइडेड बाई वन इज सिंपली टू एट क्योंकि कोई भी नंबर को वन से जब हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद भी हमको मिला एट बाई इसीलिए वन से हम क्या करेंगे डिवाइड नहीं करेंगे हम टू से स्टार्ट करेंगे क्यों क्योंकि हमको पता है वन से डिवाइड करने से हमको सेम नंबर मिलेगा तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स टू से डिवाइड करेंगे दोनों को एट को भी और 16 को भी तो अब हम क्या करते हैं हाँ, है, है. तो डिनोमिनेटर तो में भी टू से ही डिवाइड करना पड़ेगा तो यहां पर सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू अब हम क्या करेंगे दोनों को डिवीजन फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शनल बार है इसको हम ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले एट डिवाइडेड बाई टू तो स्टूडेंट्स आप बताओ मुझे क्या क्या होता होता तो होता है and 8 minus 8 क्या होता है है तो तो आना चाहिए मतलब जब आप डिवाइड करोगे से से मतलब 2 से, तो वो डिविजिबल होना चाहिए मतलब एट को टू से डिवाइड होना चाहिए सिक्सटीन को भी टू से डिवाइड होना चाहिए ठीक है तो टू फोर या एट यहाँ पर क्या आया फोर और सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू तो उसको भी हम लिख के सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर 16 लिखेंगे और यहाँ पर 2 तो 2 8 सा होता है क्या 16 और 16 माइनस 16 क्या होगा जीरो तो यहाँ पर भी रिमाइंडर जीरो आया मतलब 16 को भी हमने डिवाइड कर लिया क्या आंसर आया एट तो ये क्या बन गया 4 बाय 8 तो 8 बाय 16 इसको आप लिख सकते हो एज 4 बाय 8 एज वेल well. तो स्टूडेंट्स यही है फ्रैक्शंस इसको आप बहुत तरीकों से लिख सकते हो एक फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करके दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो जैसे एट बाई सी बाई टू आप किए हो यहां पर सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो यू विल गेट बैक एट बाई अच्छा क्या हम इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं तो सिंपल है फिर से डिवाइड करके देखो टू से डिवाइड करके देखो अगर डिवाइड कर पा रहे हो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो आगे बढ़ो अगर नहीं कर पा रहे तो फिर थ्री से डिवाइड करके देखो ठीक है इस तरीके से आपको डिवाइड करते चले जाना है और आगे बढ़ते अगर नहीं हो रहा तो फिर फोर से डिवाइड करेंगे अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर फाइव से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फाइव से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो दोनों केस में जीरो आ रहा है या नहीं अगर जीरो आएगा तभी तो वो डिवाइड हुआ नहीं तो हम डिवाइड ही नहीं कर पाए ठीक है अब क्या करते हैं इसको हम आगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये क्लियर हो जाएगा यहां पर क्या करेंगे फिर से फोर बाई एट है तो अब इसको भी फिर से क्या कर दो वन से तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है से से डिवाइड करने वी विल गेट और हमको क्या करना है इसको आगे और भी रिड्यूस करना है कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे दोनों को क्या करो फिर से टू से डिवाइड कर दो फोर डिवाइडेड बाई टू और एट डिवाइडेड बाई टू अब मुझे नहीं पता कि ये डिवाइड हो जाएगा या नहीं वो डिवाइड करके देखना पड़ेगा अगर हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होता है तो फिर थ्री से डिवाइड करेंगे अगर थ्री से भी डिवाइड नहीं होता है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तो फोर से करेंगे फिर अगर तब भी नहीं हुआ तो फाइव से करेंगे तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे सबसे पहले फोर डिवाइडेड बाई टू तो अब लिख के भी कर सकते हो फोर डिवाइडेड बाई टू हमें डायरेक्टली पता है फोर डिवाइडेड बाई टू इज सिंपली टू और उसके बाद एट डिवाइडेड बाई टू इज सिंपली फोर मतलब क्या हुआ कि अगर आप फोर डिवाइडेड बाई टू करोगे तो टू टू जा फोर मिलेगा फोर माइनस फोर क्या होता है? 0. 0 आ गया, मतलब है या नहीं तो एट डिवाइडेड तो और एट माइनस एट जीरो मतलब जो डिनोमिनेटर है वो भी टू से डिवाइड हो गया तो आगे बढ़ो तो टू से डिवाइड होने के बाद जो आंसर आया वो ले लो तो न्यूमरेटर में क्या आ गया टू डिनोमिनेटर में क्या आ गया फोर तो टू बाई फोर ठीक है तो 8 16 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इक्वल टू टू बाई फोर क्या इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो जितना कर पाओ रिड्यूस उतना करो तो फिर से आगे और फिर से करते हैं तो हमें पता है 2 है ये फोर है तो दोनों को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं तो फिर से क्या करेंगे टू से इसको फिर से डिवाइड कर देंगे टू डिवाइडेड बाई टू एंड फोर डिवाइडेड बाई टू टू डिवाइडेड बाई टू क्या होता है स्टूडेंट्स अब हमें नहीं पता अगर ये डिवाइड होगा तो ही हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे अगर नहीं होगा तो फिर थ्री से डिवाइड करके देखेंगे फोर से डिवाइड करके देखेंगे ठीक है तब तक डिवाइड करके देखेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमको दोनों केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जीरो नहीं मिल जाता तो टू डिवाइडेड बाई टू क्या होता है स्टूडेंट्स तो यहां पर मैं लिखता हूं टू आप बताओ मुझे टू डिवाइडेड बाई टू क्या होता है टू वन ज टू और यहां पर आ गया रिमाइंडर जीरो मतलब न्यूमरेटर डिवाइड हो गया से देख से देखते हैं डिवाइड होता है या नहीं तो डिवाइडेड अभी हमने किया था two, two four, क्या, आएगा? तो क्या होगा यहां पर आंसर आया वन तो यहां पर आप लिख दो one, by, क्या आया फोर तो को टू से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी अगेन टू तो आया वन बाई टू एट बाई सिक्सटीन को आप यहां पर by इस तरीके से भी लिख सकते हो तो देखिए तरीकों एट बाई सकते हो तो एट बाई का मतलब है इट इज इक्वल टू वन बाई टू जिसका अर्थ है हाफ तो वन बाई टू को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हाफ अब देखो एट बाई सिक्सटीन

उनको हम कलर करते हैं तो नेक्स्ट मैंने स्टूडेंट्स ग्रिड बी को इस तरीके से कलर कर दिया है जहां पर फोर पार्ट्स को मैंने ब्लू कलर किया है और बाकी सब पार्ट्स पार्ट है तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि, कि कितने पार्ट्स ब्लू है और कितने पार्ट्स यहां पर व्हाइट है तो सबसे पहले ब्लू के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है स्टूडेंट सिक्सटीन तो इस ग्रिड में भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स सिक्सटीन है तो कितने पार्ट्स यहां पर ब्लू है तो वन टू थ्री फोर पार्ट्स आउट ऑफ सिक्सटीन पार्ट्स क्या है स्टूडेंट्स ब्लू ठीक है तो वाइट कितने हो गए तो अगर 4 parts blue है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है 16. अगर 4 parts blue है तो 16 -4, 12 parts white होंगे डायरेक्टली भी, भी निकाल सकते हो कि सर टोटल नंबर ऑफ पार्ट सिक्सटीन है चार पार्ट आपने ब्लू कलर किया है तो सिक्सटीन माइनस फोर इक्वल टू ट्वेल्व इतने हो गए वाइट इस तरीके से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो अब हम क्या करेंगे इसको रेड्यूस करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे दोनों को करते हैं ब्लू को भी और वाइट को भी जितना हम रेड्यूज कर सकते हैं सबसे स्टूडेंट ब्लू, है? तो ब्लू है फोर बाई स ट्वेल्व बाई सबसे पहले हम इस ब्लू पोर्शन को कन्वर्ट करते हैं रेड्यूज करते हैं दूसरे फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना होगा वन से शुरुआत नहीं करेंगे क्यों? से तो अगर डिवाइड हो गया तो हम आगे बढ़ के आंसर लिखेंगे अगर नहीं हुआ तो फिर हम थ्री से डिवाइड करके देखेंगे तो यहां पर क्या है फोर को भी टू से डिवाइड कर दो और फिर सिक्सटीन है ना इसको भी टू से आप डिवाइड कर दो ठीक है अब दोनों को हम यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं तो फोर डिवाइडेड बाई टू क्या होता है स्टूडेंट्स रिमाइंडर जीरो चेक करते हैं तो सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू क्या होता है टू एट सिक्सटीन एंड सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन इज जीरो आ गया मतलब डिनोमिनेटर भी टू से डिवाइड हो गया अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू से डिवाइड हो गया मतलब आगे बढ़ो और इसको कन्वर्ट करो इसको रिड्यूस करके लिखो तो जब फोर को टू से डिवाइड किया था आंसर क्या आया था टू यहाँ पर लिखो टू मतलब two two, eight, तो फोर बाई क्या हो गया इक्वल टू तो फोर बाई पर इक्वल टू हो गया टू बाई एट इसको आप आगे और भी बढ़ो इसको फिर से आप डिवाइड करके देखो क्या आप और भी डिवाइड कर पा रहे हो या नहीं तो टू तो हमको पता है टू से डिवाइड हो जाएगा तो इसको भी फिर से टू से डिवाइड कर देंगे और एट भी टू से डिवाइड हो जाएगा तो एट डिवाइडेड बाई टू तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली बताओ लिख के भी सॉल्व कर सकते हो हमें पता है क्या टू टू से डिवाइड हो जाएगा आंसर इज यस ऑब्वियसली हो जाएगा और एट टू से डिवाइड हो जाएगा आंसर इज यस तो टू डिवाइडेड बाई टू क्या होता है वन डायरेक्टली भी लिख सकते हो और इस तरीके से डिविजन फॉर्म में लिख के भी सॉल्व कर सकते 8 हो एट तो आगे नहीं बढ़ेंगे क्यों क्योंकि अब वन से हम टू को डिवाइड नहीं कर पाएंगे हमको वन से वन को डिवाइड करना होगा और हमको पता है वन से डिवाइड करके फायदा नहीं बिकॉज यू विल गेट द सेम नंबर तो यहां पर आप स्टॉप करोगे तो 4/16 कौन से नंबर में कन्वर्ट हो गया सिंपली 1/4 तो 4/16 इज इक्वल टू 1/4 इट इज आल्सो इक्वल टू 2/8 1/4 पे क्यों स्टॉप किए क्योंकि आगे और डिवाइड हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको 2 से डिवाइड करना है और मतलब मिनिमम 2 से डिवाइड करना है और यहां पर 1 आ गया था अब नेक्स्ट 12/16 को देखते हैं तो यहां पर क्या है 12 यहां पर है 16 तो सबसे पहले क्या करें वन से डिवाइड नहीं करेंगे टू से डिवाइड करके देखते हैं तो ट्वेल्व को भी टू से डिवाइड करो और सिक्सटीन को भी टू से डिवाइड करो याद रखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा तो वट इज ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो क्या हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं रिमाइंडर जीरो आना चाहिए तो टू सिक्स जा ट्वेल्व एंड ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो तो रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब न्यूमरेटर को हम डिवाइड कर सकते हैं टू से डिनोमिनेटर को क्या डिवाइड कर सकते हैं

रिड्यूस्ड फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो फिर से डिवाइड करके देखो तो टू से फिर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को भी डिवाइड करके देखेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करके देखेंगे अगर डिवाइड हुआ तो आंसर लिखेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है क्या सिक्स डिवाइडेड बाई टू पॉसिबल है करना आंसर इज डिवाइडेड बाई टू इज सिंपली थ्री इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट रिमाइंडर जीरो और आंसर क्या मिलेगा आपको थ्री और एट डिवाइडेड बाई टू क्या होता है स्टूडेंट्स इट इज सिंपली फोर तो सिक्स को भी टू से डिवाइड कर सकते हैं यस एट को टू से डिवाइड कर सकते हैं यस yes. अब करते हैं और आंसर लिखते हैं विच इज सिंपली थ्री और नीचे आएगा क्या एट डिवाइडेड बाई टू विच इज फोर अब आया थ्री बाई फोर ठीक है स्टूडेंट्स तो अब आगे बढ़ते हैं तो ट्वेल्व बाई सिक्सटीन इज इक्वल टू थ्री बाई फोर यहां तक रिड्यूस हो गया इसको आगे और रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं तो दोनों को टू से डिवाइड करके देखेंगे लेकिन डिवाइड होना चाहिए मतलब रिमाइंडर जीरो आना चाहिए हमको पता है तीन को हम टू से डिवाइड नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जब आप थ्री डिवाइडेड बाई टू करोगे तो यू विल यूटून टू और यहां पर रिमाइंडर आएगा वन तो हमको क्या चाहिए रिमाइंडर जीरो बट आया रिमाइंडर वन मतलब तीन को आप टू से डिवाइड नहीं कर सकते तो तीन को जो टू से आप डिवाइड नहीं कर सकते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए अब न्यूमरेटर ही डिवाइड नहीं हुआ या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक अगर सेम नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो आपको दूसरे नंबर पे जाना होगा मतलब अब थ्री पे जाते हैं तो अब हम क्या करेंगे दोनों को थ्री से डिवाइड करके देखेंगे तो थ्री को भी थ्री से डिवाइड करके देखेंगे और जो डिनोमिनेटर है फोर उसको भी थ्री से डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि सेम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है

फोर माइनस थ्री क्या होगा स्टूडेंट्स वन आप देखो यहां पर रिमाइंडर जीरो नहीं आया मतलब न्यूमिनेटर को तो हमने तीन से डिवाइड कर दिया बट डिनोमिनेटर तीन से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट्स फोर तो अब फोर से डिवाइड करके फायदा नहीं है क्यों क्योंकि हमको पता है कि न्यूमिनेटर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि न्यूमिनेटर खुद ही फोर से छोटा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हमको फोर से डिवाइड होना होगा बट न्यूमरेटर ही नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमेटर से छोटा है तो यहां पर आप स्टॉप कर जाओगे इससे आगे और हम इस फ्रैक्शन को रिड्यूस नहीं कर सकते इसको आगे और कन्वर्ट नहीं कर सकते तो यहां पर स्टॉप करेंगे ट्वेल्व बाई सिक्सटीन फाइनली क्या चीज में रिड्यूस हो गया या कौन से फ्रैक्शन नंबर में रिड्यूस हो गया इट इज थ्री बाई फोर तो स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पर ब्लू पार्ट क्या था फोर बाय सिक्सटीन तो फोर सिक्सटीन को हमने रिड्यूस कर दिया इक्वल टू वन बाई फोर मतलब फोर बाय के जगह पर आप वन बाय फोर भी लिख सकते हो और ट्वेल्व बाई सोर मतलब ट्वेल्व बाई इसके जगह पर आप थ्री बाय फोर भी लिख सकते हो ट्वेल्व बाई सिक्सटीन इज इक्वल टू थ्री बाई फोर तो यहाँ पर ब्लू क्या था फोर बाय सिक्सटीन इसको आप लिख सकते हो वन बाय फोर And white क्या था 12 by 16 तो इसको आप लिख सकते हो by तो next is grid C. तो students यहां पर देखो grid C को मैंने कुछ इस तरीके से कलर किया है तो what part is blue and what part is white? तो सबसे पहले नंबर ऑफ पार्ट क्या है 16 उसमें से कितने पार्ट्स ब्लू है तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो फाइव पार्ट्स आउट ऑफ 16 पार्ट्स इज व्हाट इट इज ब्लू और उसके बाद व्हाइट कितने हैं स्टूडेंट्स तो ये तो आप काउंट करके भी सॉल्व कर सकते हो या तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 16 16 एंड इज इज सिंपली 11 11 तो 11 16, what, तो दिस व्हाट वाइट स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रेड के लिए हमको क्या मिला 5 बाई सिक्सटीन पार्ट इज ब्लू एंड 11 बाई सिक्सटीन पार्ट इज वाइट अब हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करके दूसरे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे

थ्री और चेक करेंगे क्या अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या हम थ्री से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या फाइव को थ्री से डिवाइड कर सकते हैं और सिक्सटीन को भी थ्री से डिवाइड कर सकते हैं आंसर इज नो फाइव को थ्री से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि जब आप फाइव डिवाइडेड बाई थ्री करोगे तो थ्री वन होता है थ्री और फाइव माइनस थ्री क्या होगा टू तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा टू Which is not zero हमको चाहिए जीरो मतलब फाइव को आप तीन से डिवाइड नहीं कर सकते और सिक्सटीन को भी आप थ्री से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जब आप सिक्सटीन को भी थ्री से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा three, five, 15, और यहाँ पर क्या मिलेगा रिमाइंडर वन विच इज नॉट जीरो तो दोनों को तीन से डिवाइड आप नहीं कर पा रहे हो तो तीन से भी हम डिवाइड नहीं कर पा रहे मतलब नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे विच इज फोर अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा स्टूडेंट्स तो यहां पर तो हमको पता है कि दोनों को हमको चेक करना होगा कि फोर से डिवाइड हो रहा है या नहीं तो न्यूमिनेटर भी फोर से डिवाइड होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी फोर से डिवाइड होना चाहिए तभी हम उसको आगे रेड्यूस कर पाएंगे लेकिन स्टूडेंट्स इसको फोर से डिवाइड हो रहा है या नहीं ये चेक करने की जरूरत नहीं है यह आप सीधा स्किप कर सकते हो क्योंकि अगर वो टू से डिवाइड नहीं हुआ तो वो फोर से भी डिवाइड नहीं होगा बिकॉज फोर इज सिंपली अ मल्टीपल ऑफ टू तो हम क्या करते हैं टू टू होता है फोर तो इसको आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो फाइव तो कर सकते हैं बट 5 को 4 से हम डिवाइड नहीं कर सकते और चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फोर से डिवाइड होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ते हैं नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो फोर के लिए मैंने आपको अभी बताया अब चेक करके देख सकते हो नहीं तो आप इसको डायरेक्टली स्किप कर दो अगर टू से डिवाइड नहीं हुआ है तो फोर से भी डिवाइड नहीं होगा तो फोर को डायरेक्टली स्किप करके फाइव पे जा सकते हो बट हमने चेक भी कर लिया नेक्स्ट इज फाइव तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही फाइव से डिवाइड करके देखते हैं तो फाइव डिवाइडेड बाई फाइव और सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फाइव अगर डिवाइड हुआ तो आगे बढ़ के उसको रिड्यूस करेंगे तो क्या फाइव को फाइव से डिवाइड कर सकते हैं आंसर इज यस फाइव फाइव से डिवाइड हो जाएगा

तो इसीलिए क्या करेंगे हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे लेकिन कब तक नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे सर तो फिलहाल तो फाइव डिवाइड नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर क्या है दोनों को सिक्स से डिवाइड कर दो लेकिन अब आप देखो सिक्स जो है वो फाइव से बड़ा हो गया है तो फाइव को आप डिवाइड कर ही नहीं सकते इनफैक्ट सेवन एट नाइन जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सब अब ये जो नंबर है फाइव उससे बड़े हैं सिक्स भी फाइव से बड़ा है सेवन एट नाइन सब फाइव से बड़े हैं तो आपको यहां पर स्टॉप करना पड़ेगा मतलब फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स ये पॉसिबल ही नहीं है इसको हम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि सिक्स जो है वो फाइव से बड़ा नंबर है तो सेवन एट नाइन ये भी जो है इनको भी हम फाइव डिवाइडेड बाई सेवन फाइव डिवाइडेड बाई एट ऐसे नहीं लिख सकते तो इसीलिए अब हम यहां पर स्टॉप कर जाएंगे क्योंकि जो नंबर हमको डिवाइड करना है वो खुद ही फाइव से बड़ा हो गया है तो इसको यहां पर आप स्टॉप कर दो तो यहां पर हम स्टॉप कर देंगे आगे जाकर के कोई फायदा है नहीं तो स्टूडेंट्स फाइनली फाइव बाई स कौन से फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट हो गया आंसर इज फाइव बाई स इसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाए क्यों क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर हमको नहीं मिला जो टू हो थ्री हो फोर हो फाइव हो या सिक्स हो जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर पाए तो हम डिवाइड कर ही नहीं पाए तो हमको एज इट इज जो नंबर था वही रखना होगा विच इज फाइव बाई स तो यहां पर इट इज सिंपली इक्वल टू फाइव बाई स तो स्टूडेंट्स ब्लू जो पोर्शन है उसको तो हम रिड्यूस नहीं कर पाए बट जो व्हाइट पोर्शन है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं विच इज इलेवन बाई सिक्सटीन तो इसको हम कन्वर्ट करके कोई दूसरा फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं तो वन से हम डिवाइड नहीं करेंगे टू से स्टार्ट करते हैं तो हमको पता है कि इलेवन डिवाइडेड बाई टू इलेवन को आप टू से डिवाइड नहीं कर सकते तो दोनों ही चूंकि दोनों को टू से डिवाइड होना होगा इलेवन टू से डिविजिबल नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे विच इज थ्री तो क्या इलेवन को थ्री से डिवाइड कर सकते हो थ्री का टेबल काउंट करो सिंपली डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो तीन का टेबल काउंट करो अगर ग्यारह आता है उसके टेबल में तो समझ लेना कि आप उसको तीन से डिवाइड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हो डिवाइड करके इलेवन डिवाइडेड बाई थ्री करो तो विच इज थ्री थ्री नाइन एंड इलेवन माइनस नाइन क्या होता है टू तो रिमाइंडर क्या आ गया टू विच इज नॉट जीरो मतलब ग्यारह को आप तीन से डिवाइड नहीं कर सकते तो आप वहीं स्टॉप कर जाओ डिनोमिनेटर के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज न्यूमिनेटर ही जब डिवाइड नहीं हो पाया तो आगे बढ़ के कोई फायदा है नहीं आप वहीं पर स्टॉप कर जाओ तो नेक्स्ट कौन सा नंबर है नेक्स्ट इज फोर तो स्टूडेंट्स फोर के लिए चेक ही करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था अगर टू से डिविजिबल नहीं है तो फोर से भी डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज फोर इज सिंपली अ मल्टीपल ऑफ टू तो इसीलिए इस फोर के लिए हम चेक नहीं करेंगे नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे विच इज फाइव तो स्टूडेंट्स अभी तक टू थ्री फोर ये नंबर से हम इलेवन और सिक्सटीन दोनों को डिवाइड नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट नंबर है क्या फाइव तो इलेवन डिवाइडेड बाई फाइव चेक करो और डिवाइडेड चेक करो डिविजिबल है आंसर इज नो इलेवन को फाइव से आप डिवाइड नहीं कर सकते सिक्सटीन को भी फाइव से डिवाइड नहीं कर सकते आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो दोनों ही डिविजिबल नहीं होते है. तो न्यूमरेटर ही चूकी डिविजिबल नहीं है तो डिनोमिनेटर के लिए आप चेक भी मत करो सीधा नेक्स्ट नंबर पे चले जाओ विच इज सिक्स नेक्स्ट इज सिक्स तो इलेवन डिवाइडेड बाई सिक्स ऐसे करके लिख के, के आप चेक कर सकते हो और सिक्सटीन डिवाइडेड बाई सिक्स या तो डायरेक्टली भी शॉर्टकट तरीका है वो क्या है कि अगर टू से डिवाइड नहीं हुआ है तो फोर से भी डिवाइड नहीं होगा सिक्स से भी डिवाइड नहीं होगा एट से भी डिवाइड नहीं होगा टेन से भी डिवाइड नहीं होगा और अगर यहाँ पर इलेवन ट्व होते हैं तो ट्वेल्व से भी डिवाइड नहीं होगा तो ये शॉर्टकट तरीका है स्टूडेंट्स इन नंबर्स को आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो तो अगर टू से डिवाइड नहीं हुआ है और हमको पता है टू से डिवाइड नहीं हुआ है तो फोर के लिए चेक मत करो सिक्स के लिए चेक मत करो एट के लिए टेन के लिए और ट्वेल्व के लिए इनके लिए आप चेक ही मत करो इनको डायरेक्टली स्किप कर दो बिकॉज दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ सॉरी तो तो से डिवाइड नहीं हुआ है तो इनसे भी डिवाइड नहीं होगा तो यहां पर आप लिख करके भी चेक कर सकते हो इलेवन डिवाइडेड बाई सिक्स मैं नहीं चेक करूंगा मुझे पता है कि इलेवन को हम सिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते क्यों क्योंकि टू से डिवाइड नहीं हुआ था तो सिक्स से भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे विच इज सेवन तो नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे विच इज सेवन और देखेंगे क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या हम सेवन से डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं तो अब चूंकि सेवन जो है इसको हम चेक करेंगे डिवाइड करके तो इलेवन यहां पर डिवाइडेड बाई सेवन क्या होगा सेवन वन जो होता है सेवन और यहाँ पर इलेवन माइनस सेवन होगा फोर रिमाइंडर आया फोर विच इज नॉट जीरो इलेवन को सेवन से हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं न्यूमरेटर ही डिवाइड नहीं हुआ तो आगे जाके डिनोमिनेटर के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है वहीं पर आप स्टॉप कर जाओ नेक्स्ट क्या नंबर आता है एट एट के लिए हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया अगर टू से डिवाइड नहीं हुआ है तो फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व इनसे भी डिवाइड नहीं होगा तो इसको भी स्किप करो नेक्स्ट इज नाइन तो दोनों को डिवाइड करके देखो इलेवन डिवाइडेड बाई नाइन और सिक्सटीन डिवाइडेड बाई नाइन आंसर इज नो इलेवन को आप नाइन से डिवाइड नहीं कर सकते सिक्सटीन को भी नाइन से डिवाइड नहीं कर सकते बट इसको चेक करने की ही जरूरत नहीं है न्यूमरेटर ही जब डिवाइड नहीं हुआ तो वहीं पर रुक जाओ नेक्स्ट नंबर पे चले जाओ विच इज टेन अगेन टेन को आप स्किप कर दो उसके बाद आप क्या नंबर पे जाओगे विच इज इलेवन तो नेक्स्ट इज इलेवन तो अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 11 से डिवाइड करके देखते हैं क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं 11 को 11 से डिवाइड कर पाएंगे आंसर इज यस अगर आप करोगे 11 डिवाइडेड बाई 11 तो 11 वन जा होता है 11 और रिमाइंडर आपको मिल जाएगा जीरो करेक्ट सर तो ये डिवाइड हो गया बट डिनोमिनेटर भी 11 से डिवाइड होना चाहिए तभी हम आगे जाके रेड्यूस कर पाएंगे तो सिक्सटीन डिवाइडेड बाई इलेवन करके देख लो तो 16 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 वन जो होता है 11 और 16 माइनस इलेवन क्या होता है स्टूडेंट्स इट इज सिंपली इक्वल टू तो यहां पर रिमाइंडर आया फाइव यहां पर जीरो रिमाइंडर नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ 16 को 11 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए क्या करेंगे अब नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे विच इज ट्वेल्व नेक्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट्स ट्वेल्व तो अब हमको पता है ट्वेल्व को स्किप करना है क्योंकि टू से डिवाइड नहीं हुआ था तो ट्वेल्व से भी डिवाइड नहीं होगा इसको डायरेक्टली स्किप कर दो और नेक्स्ट नंबर पे चले जाओ इज अब आप देखोगे तो ट्वेल्व थर्टीन ये सारे इलेवन से बड़े हो गए हैं तो अब आप कोई भी नंबर को जो 30, जो ट्वेल्व के बाद आता है उसको आप इलेवन से डिवाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि दे आर ग्रेटर देन तो अब आप यहां पर स्टॉप कर जाओगे तो आंसर क्या हुआ कुल मिलाकर के कोई भी ऐसा नंबर हमको नहीं मिला जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे इसलिए हम इसको आगे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इलेवन बाई सिक्सटीन को आप रिड्यूस नहीं कर सकते इट विल रिमेन एज इलेवन बाई सिक्सटीन तो फाइव बाई फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते तो यहां पर ब्लू हो जाएगा फाइव बाई डी स्टूडेंट्स तो इस वाले ग्रिड को आप देखते हैं तो इस ग्रिड को भी मैंने कलर किया है जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं पार्ट्स को कलर करो और इसी कलर को यूज करो कोई भी कलर यूज कर सकते हो और कोई भी पार्ट्स को आप कर सकते हो बट आपको उस हिसाब से कितने पार्ट्स ब्लू में कलर किए हैं और कितने पार्ट्स व्हाइट रह गए वो आपको उसके अनुसार लिखने होंगे तो जैसे ग्रिड डी को देखते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पर भी सिक्सटीन है तो कितना पार्ट ब्लू कलर्ड है आप मुझे बताओ दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स बाई सिक्सटीन क्या हो गया दैट इज ब्लू और वाइट क्या हो गया तो हम काउंट करके भी लिख सकते हैं या तो सिक्सटीन माइनस सिक्स अगर सिक्स पार्ट ब्लू है टोटल नंबर ऑफ पार्ट सिक्सटीन है तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट आर कलर्ड इन व्हाइट कितने हो गए इज सिंपली टेन तो टेन बाई सिक्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स इट इज व्हाइट तो अब क्या हम इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले तो सिक्स बाय सिक्सटीन इसको हम रेड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले टू से आप डिवाइड करके देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स क्या सिक्स को टू से डिवाइड किया जा सकता है आंसर इज यस क्या सिक्सटीन को टू से डिवाइड किया जा सकता है आंसर इज यस तो दोनों को ही हम टू से डिवाइड कर सकते हैं तो दोनों को टू से डिवाइड करेंगे और आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा तो सिक्स डिवाइडेड बाई टू और फिर फ्रैक्शनल बार और फिर 16 डिवाइडेड बाय 2 तो सबसे पहले 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है स्टूडेंट्स इट इज सिंपली 3 इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 3 और 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा इट विल बी 8 तो क्या आ गया थ्री बाई एट मतलब 6 16, कौन से फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 3 बाई एट में नेक्स्ट अब हम इसको आगे और डिवाइड करते हैं तो अब दोनों को फिर से टू से डिवाइड करके देखो क्या थ्री को टू से डिवाइड कर सकते हैं आंसर इज नो no. तो अब चूंकि थ्री को डिवाइड नहीं कर सकते तो डिनोमिनेटर के लिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर ही डिवाइड नहीं हुआ है तो फिर नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे इज तो अब स्टूडेंट्स ये देखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम नंबर से डिविजिबल होने चाहिए तो अब चूंकि टू से डिवाइड नहीं हुआ है तो फोर से भी डिवाइड नहीं होगा सिक्स से भी डिवाइड नहीं होगा एट से भी डिवाइड नहीं होगा और टेन से भी डिवाइड नहीं होगा तो इन नंबर्स को आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है उसके बाद क्या है तो यहां पर है थ्री तो अब थ्री को थ्री से डिवाइड करके देखो और एट को थ्री से डिवाइड करके देखो तीन को तीन से क्या हम डिवाइड कर सकते हैं आठ yes. को भी तीन से डिवाइड कर सकते हैं आंसर इज नो एट इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री आप डिविजन फॉर्म में लिख के चेक कर सकते हो तो यहां पर क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे विच इज फोर और ऑलरेडी फोर को हमने स्किप कर दिया है क्योंकि टू से डिविजिबल नहीं है तो फोर से भी डिविजिबल नहीं होगा नेक्स्ट नंबर है फाइव अब फाइव के लिए चेक करते हैं तो यहां पर होगा थ्री डिवाइडेड बाई फाइव और यहां पर होगा एट डिवाइडेड बाई फाइव अब स्टूडेंट्स देखो फाइव जो है ये तीन से बड़ा हो गया है तो इसका मतलब यहां पर आप स्टॉप कर जाओगे क्योंकि जिस नंबर को आप डिवाइड करने वाले हो या जिस नंबर से आप डिवाइड करने वाले हो वो खुद ही थ्री से बड़ा हो गया है तो जब ऐसा केस हो तो आप स्टॉप कर जाओ मतलब क्या हुआ इसको हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह हुआ कि थ्री बाई एट ये जो फ्रैक्शन है इसको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हम यहीं पर स्टॉप करेंगे सिक्स बाई सिक्सटीन क्या नंबर में कन्वर्ट हो गया थ्री बाई एट नेक्स्ट इज टेन बाई सिक्सटीन तो स्टूडेंट्स अब फिर से क्या करेंगे टेन और सिक्सटीन दोनों को टू से डिवाइड करके देखते हैं क्या हम 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं आंसर इज यस क्या 16 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं आंसर इज यस डिवाइड करके आप चेक भी कर सकते हो तो यहां पर क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 2 तो ये क्या आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 एंड 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8 तो स्टूडेंट्स अब आया है 5 बाय 8 फिर से क्या करो 2 से स्टार्ट करो तो हर बार आपको टू से ही स्टार्ट करना है तो फिर से टू से स्टार्ट करो और दोनों को टू से डिवाइड करके देखो फाइव को टू से डिवाइड करो एट को टू से डिवाइड करो क्या फाइव को टू से डिवाइड कर सकते हैं आंसर no. इज नो को जब आप टू से डिवाइड करोगे तो फाइव डिवाइडेड बाई टू होता है यहां पर रिमाइंडर वन तो ये रिमाइंडर जीरो नहीं आया मतलब फाइव को टू से हम डिवाइड नहीं कर सकते तो आप क्या करो नेक्स्ट नंबर पे चले जाओ डिनोमीटर के लिए चेक ही मत करो अब टू से डिवाइड नहीं हुआ है फाइव बाई एट तो फोर से भी डिवाइड नहीं होगा सिक्स से भी डिवाइड नहीं होगा एट से भी डिवाइड नहीं होगा टेन से भी डिवाइड नहीं होगा इन सारे नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा तो इनके लिए आप चेक मत करो तो नेक्स्ट कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स इट इज थ्री फाइव डिवाइडेड बाई थ्री चेक करो और फिर एट डिवाइडेड बाई थ्री चेक करो तो स्टूडेंट्स क्या फाइव को तीन से डिवाइड कर सकते हैं आंसर इज नो इसको डिवाइड नहीं कर सकते रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा आप करके चेक कर लो तो अब न्यूमोनेटर के लिए चेक कर लिया डिवाइड नहीं हुआ डिनोमिनेटर के लिए चेक ही नहीं करेंगे नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे विच इज फोर और हमने पहले ही इसको क्रॉस आउट कर दिया है तो फोर को हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे विच इज फाइव तो दोनों नंबर को फाइव से डिवाइड करो फाइव डिवाइडेड बाई फाइव और एट डिवाइडेड बाई फाइव क्या फाइव को फाइव से डिवाइड कर सकते हैं आंसर इज यस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव क्या होता है फाइव वन फाइव और रिमाइंडर आएगा जीरो मतलब ये डिवाइड हो जाएगा फाइव से आगे बढ़ सकते हैं तभी जब डिनोमिनेटर भी फाइव से डिवाइड हो जाए क्या फाइव करो तो फाइव फाइव होगा और यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा 3. तो हम देख रहे हैं कि 8 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते दिस इज नॉट डिविजिबल दोनों ही डिविजिबल होने चाहिए इसका मतलब क्या है नेक्स्ट नंबर पे जाओ विच इज सिक्स अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स सिक्स को हमने ऑलरेडी क्रॉस आउट कर दिया है और आप चाहो तो यहां पर स्टॉप भी कर सकते हो सिक्स और सिक्स के बाद के जितने भी सारे नंबर है वो सब अब फाइव से बड़े हो गए हैं तो वो सब अब फाइव से डिवाइड नहीं हो पाएंगे तो इसीलिए हम यहां पर स्टॉप कर जाएंगे तो टेन बाई फाइनली कौन से नंबर में कन्वर्ट हो गया सिंपली फाइव बाई एट तो सिक्स बाई सिक्सटीन जो ब्लू पार्ट था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया टू थ्री बाई एट और टेन बाई सिक्सटीन जो व्हाइट पार्ट था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया टू फाइव बाई एट नेक्स्ट इज क्वेश्चन टू लुक एट ग्रीड ए अगेन इज द ग्रेड कलर्ड वन बाई टू ब्लू वन बाई टू व्हाइट और टू बाई फोर ब्लू टू बाई फोर व्हाइट और थ्री बाई एट ब्लू फाइव बाई एट व्हाइट और फोर बाई एट ब्लू फोर बाई एट वाइट मार्क क्रॉस ऑन द रोंग आंसर अब यहाँ पर करेक्ट आंसर को टिक नहीं करना है बल्कि रॉन्ग आंसर को क्रॉस मार्क करना है तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से सॉल्व नहीं करूंगा स्टूडेंट्स इसको मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया था ग्रिड ए को एक बार फिर से देखो तो ये क्या था हमारा ग्रिड ए यहां पर एट बाई स्लू वन बाय टू वाइट और टू बाई फोर ब्लू टू बाई फोर व्हाइट तो इनका आंसर करने के लिए हम क्या किए थे एट बाई सिक्सटीन को हमने कन्वर्ट किया था रेड्यूस किया था कैसे तो यहां पर मैंने एट बाई सिक्सटीन को रेड्यूस किया था कैसे तो एट बाई को आप टू से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा फोर बाई एट फिर से टू से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा टू बाई फोर फिर से टू से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा मतलब एट बाई को आप क्या क्या लिख सकते हो एट बाई सिक्सटीन को आप इक्वल टू फोर बाई एट लिख सकते हो इक्वल टू टू बाई फोर लिख सकते हो इक्वल टू वन बाई टू लिख सकते हो क्यों क्योंकि तो मैंने आपको अभी सिखाया था कैसे कन्वर्ट करके इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है एट बाई के भी बराबर है टू बाई फोर के भी बराबर है और एक और चीज एट बाई है और एट बाई है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एट बाई सिक्सटीन ब्लू एट बाई सिक्सटीन व्हाइट और फोर बाई एट ब्लू फोर बाई एट व्हाइट और टू बाई फोर ब्लू टू बाई फोर व्हाइट और वन बाय टू ब्लू एंड वन बाय टू व्हाइट तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है तो देखते हैं अब ऑप्शन में उन्होंने क्या क्या दिया है तो ग्रिड ए के लिए जो क्या था एट बाई सिक्सटीन यहां पर ब्लू था और एट बाई सिक्सटीन यहां पर वाइट था और यहां पर रॉन्ग आंसर को हमको क्रॉस करना है तो इज द ग्रिड कलर वन बाई टू ब्लू एंड वन बाई टू व्हाइट तो स्टूडेंट अभी हमने देखा था एट बाई सिक्सटीन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें फोर बाई एट में टू बाई फोर में और वन बाय टू में एट बाई सिक्सटीन ब्लू इज इक्वल टू वन बाई टू ब्लू एट बाई सकते हैं क्या वन बाई टू ब्लू एंड वन बाय टू वाइट तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है इसको टिक कर देता हूं रॉन्ग आंसर को क्रॉस करना है नेक्स्ट इज ऑप्शन बी तो इज द ग्रिड विच इज एट बाई सिक्सटीन ब्लू एंड एट बाई स

8/16 3/8 में कन्वर्ट नहीं होता है यहां पर आप देख सकते हो तो इट इज नॉट इक्वल टू तो 8/16 ब्लू को आप 3/8 ब्लू ऐसा नहीं लिख सकते बिकॉज़ 3/8 में हम उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते हम इतने ही फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो so, ये तो हमारा रॉन्ग आंसर है इसको क्रॉस कर दो ऑप्शन डी क्या है 8/16 ब्लू एंड 8/16 वाइट इट इज इक्वल टू 4/8 ब्लू 4/8 वाइट देखते हैं तो so 8/16 देखो ये भी फोर बाई एट में कन्वर्ट हो जाता है तो एट बाई सकते हो फोर बाई एट ब्लू सिमिलरली एट बाई सकते हो बाई एट वाइट तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो देखो जो ग्रिड ए है विच वॉज एट बाई 16 व्हाइट इसको आप इतने तरीकों से लिख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री draw grids of 16 squares and make patterns with 2 by 8 red 1 by 2 yellow 1 by 4 green and we 3 by 16 blue 5 by 16 red and 1 by 2 yellow तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमको सिक्सटीन स्क्वायर्स का एक ग्रिड बनाना है तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से एक ग्रिड बना लो कंसिस्टिंग ऑफ सिक्सटीन स्क्वायर्स और फिर टू बाई एट पोर्शन रेड में कलर कर दो वन बाई टू पोर्शन येलो में और 1 by 4 पोर्शन ग्रीन में बट इसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स देखो जैसा हमने फ्रैक्शनल फॉर्म को इस तरीके से कन्वर्ट किया इसको रिड्यूस किया था मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 8/16 तो इसको हमने कन्वर्ट किया था 2 4/8 देन 2/4 एंड 1/2 तो ठीक उसी तरीके से इसको वापस 8/16 पे आप कन्वर्ट कर सकते हो तो जैसे हमने एट बाई सिक्सटीन से हम वन बाई टू गए ठीक उसी तरीके से आप वन बाई टू से एट बाई सकते तो आपको यही काम इस क्वेश्चन में करना है इसको अब आपको उल्टा करना है रिवर्स कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे वो बहुत आसान है वो मैं आपको सिखाता हूं तो जैसे टू हमें पता है जो हमारा ग्रिड है दैट इज हाउ मच सिक्सटीन स्क्वायर का ग्रिड है ठीक है तो डिनोमिनेटर में देख लो कि वो सिक्सटीन होना चाहिए बस इतना सा सिंपल सा हमारा सोल्यूशन है तो जैसे टू बाई एट यहाँ पर है रेड वन बाई टू येलो और वन बाई फोर ग्रीन इसको तो यहां पर डिनोमिनेटर क्या क्या है टू बाई एट में एट है डिनोमिनेटर वन बाई टू में टू है डिनोमिनेटर वन बाई फोर में फोर है डिनोमिनेटर इन सबको किसी तरीके से आप सिक्सटीन कर दो तो ठीक है सबसे पहले टू बाई एट से हम स्टार्ट करते हैं क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं तो यहां पर टू बाई एट है तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को यहां पर आप सिक्सटीन कैसे करोगे अब हम यहां पर डिवाइड नहीं करते तो जैसे यहां पर हम क्या कर रहे थे कन्वर्ट करने के लिए से कर रहे थे, तो वो क्या हो, 2 तो क्या हो गया फोर बाई एट फिर से टू दोनों से फोर एट दोनों को टू से डिवाइड कर दिए क्या मिला टू बाई फोर फिर से टू से डिवाइड किया क्या मिला वन बाई टू अब हमको क्या करना है वापस सपोज करो एट बाई सिक्सटीन पे जाना है या फोर बाई एट से एट बाई है तो इस बार हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ही सिंपल है जब आपको एट बाई सिक्सटीन से वन बाई टू या फोर बाई एट ऐसे जाना है तो आप डिवाइड बाई द सेम नंबर करोगे जब आपको वन बाई टू से एट बाई सिक्सटीन जाना है या फोर बाई एट से एट बाई स जाना है तो यू विल मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर ये बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है तो जैसे सपोज करो यहां पर हमको ग्रिड में कितने दिए हुए स्क्वायर एट को वापस 16 पे जाना है तो कैसे करेंगे तो इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी टू से अब हम डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे इसको फ्रैक्शनल बार को एक्सटेंड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो अब स्टूडेंट्स क्या हुआ यहां पर ऐसा हमने क्यों किया सबसे पहले तो ऐसा हमने क्यों किया तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा पहले इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन बार लिख दो। टू फोर बाई स दोनों ही करेक्ट है मतलब फोर बाई को आप रेड्यूस करके कन्वर्ट करके टू बाई एट में लिख सकते हो और टू बाई एट को आप इस तरीके से करके फोर बाय सिक्सटीन भी लिख सकते हो दोनों ही करेक्ट है लेकिन आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपको यह आ सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि टू से ही मल्टीप्लाई करना है जैसे यहाँ पर टू बाई एट था तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाईड बाई ऐसे थ्री बाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को आप थ्री से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे हाँ कर सकते थे बट उस केस में क्या होता टू थ्रीजा सिक्स होता और यहां पर एट थ्रीजा ट्वेंटी फोर होता और हमको नीचे चाहिए क्या है सिक्सटीन इसीलिए मैंने टू से मल्टीप्लाई किया और थ्री से नहीं तो ये आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे दोनों ताकि डिनोमिनेटर में आपको सिक्सटीन मिल जाए और मैं ये कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं क्योंकि तो हमको पता है हमारा जो ग्रिड है वहां पर सिक्सटीन स्क्वायर्स हैं और इस तरीके से हमको आसानी हो जाएगी कलर करने में क्योंकि आप देखो यहाँ पर आपको पता चल गया कलर करना है तो यहां पर क्या है वन बाई टू अब आप देखो नीचे क्या है टू इसको किसी तरीके से 16 में कन्वर्ट कर दो कैसे करोगे मल्टीप्लाई करके करोगे ऑब्वियसली लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर के साथ भी तो कैसे करोगे? सबसे पहले फ्रैक्शनल बार को थोड़ा आगे बढ़ा दो और दोनों जगह मल्टीप्लाई दोन मिल जाए इट इज सिंपल एट राइट टू को एट से मल्टीप्लाई करोगे तो टू एट आपको यहां क्या मिल जाएगा 16 मतलब आप नीचे मल्टीप्लाई किए हो तो ऊपर भी एट से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो ये क्या हो जाएगा वन मल्टीप्लाइड बाई एट इज एट एंड टू मल्टीप्लाइड बाई एट इज सिक्स तो वन बाई टू ये क्या कन्वर्ट हो गया एट बाई सोर अब वन बाई फोर को कन्वर्ट करते हैं तो इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दो और देखते हैं क्या चीज से कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहां पर है वन बाई फोर फोर को कित कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको सिक्सटीन मिल जाए फोर को थ्री से करेंगे क्या फोर थ्री होता है ट्वेल्व हमको क्या चाहिए तो तो देखते हैं 4, 4 क्या होता है 16. अच्छा तो 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सिक्सटीन मिलेगा तो यहां पर फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर सिक्सटीन में कन्वर्ट हो जाए अब नीचे फोर से मल्टीप्लाई किए हो ऊपर भी करना पड़ेगा मतलब न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा तो अब ये क्या हो जाएगा वन मल्टीप्लाइड बाई फोर इज फोर एंड फोर मल्टीप्लाइड तो वन बाई फोर जो आपका फ्रैक्शन था वो कौन से नंबर में कन्वर्ट हो गया बाई फोर तो जो था वो कन्वर्ट हो गया फोर बाय सिक्सटीन में एट बाई स में और फोर बाई सिक्सटीन में तो अब आप फोर बाई स रेड एट बाई सिक्सटीन येलो और फोर बाय सिक्सटीन ग्रीन कर दो तो स्टूडेंट्स अब इस ग्रिड को हम कलर करते हैं फोर पार्ट्स आउट ऑफ 16 पार्ट्स को रेड कलर करेंगे एट पार्ट्स आउट ऑफ 16 पार्ट्स को येलो कलर और फोर पार्ट्स आउट ऑफ 16 पार्ट्स को ग्रीन कलर करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने फोर बाय सिक्सटीन रेड एट बाय सिक्सटीन येलो एंड फोर बाय सिक्सटीन ग्रीन कलर कर दिया है इसको भी आप कंप्लीट कर लो तो ये है थ्री पार्ट ए नेक्स्ट इज बी तो स्टूडेंट्स मैं रिकमेंड करूंगा इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई करो इसका सोल्यूशन हम अभी देखेंगे बट मैं चाहूंगा इसको आप खुद से एक बार घर पर ट्राई करो सिक्स का ग्रिड बना लो कैसे सॉल्व करोगे सारे नंबर्स को कन्वर्ट करना होगा जहां पर सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर 16 होना चाहिए बिकॉज 16 स्क्वायर्स का हमारा ग्रिड है तो मैं आशा करता हूं आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की नेक्स्ट अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं तो नेक्स्ट अब फिर से 16 स्क्वायर्स का हमारा ग्रिड है और हमको क्या करना है थ्री बाई सिक्सटीन पार्ट ब्लू कलर करना है फाइव बाई येलो सबसे पहला काम क्या है सारे नंबर को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो जहां पर सबका डिनोमिनेटर 16 हो तो देखो 3 बाई सिक्सटीन ऑलरेडी डिनोमिनेटर 16 है इसको एज इट इज छोड़ दो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है 5 बाई में भी डिनोमिनेटर ऑलरेडी 16 है पहले से 16 है इसको भी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे लेकिन 1 बाई टू इसका जो डिनोमिनेटर है वो है टू तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सिक्सटीन हो जाए ठीक है कैसे करेंगे कन्वर्ट इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो और दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन आए अच्छा अब डिनोमिनेटर को क्या करना है सिक्सटीन करना है पहले से क्या है टू कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूँ ताकि डिनोमिनेटर सिक्सटीन हो जाए आंसर इज एट क्योंकि टू एटा क्या होता है सिक्सटीन तो अगर मैं एट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिनोमिनेटर सिक्सटीन मिल जाएगा अब एट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हो तो सेम एट से न्यूमोनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा तो वन मल्टीप्लाइड बाई एट क्या हो जाएगा एट और टू मल्टीप्लाइड बाई एट हो जाएगा सिक्सटीन अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ भी सिक्सटीन आ गया तो कुछ नहीं सिंपली वन बाई टू को कन्वर्ट कर दिया एट बाई सी बाई सिक्सटीन को ब्लू कलर कर दो फाइव बाई कलर और एट बाई येलो कलर कर दो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कलर कर दिया है आप देख सकते हो ये कितना आसान हो जाता है कन्वर्ट करने के बाद देखो सबके डिनोमिनेटर 16 हमने कर दिए क्यों क्योंकि हमको पता है पहले से कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस ग्रिड में है 16 नाउ आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स कलर थ्री स्क्वायर्स ब्लू आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स कलर फाइव स्क्वायर्स रेड एंड आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स कलर एट स्क्वायर्स येलो जो हमने यहां पर किया है तो ठीक है स्टूडेंट्स ये था पार्ट फोर ऑफ चैप्टर फोर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रामूज वेजिटेबल फील्ड इन पार्ट फाइव तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज हैं उनको कंप्लीट करो और बहुत खुश रहो थैंक यू